रहा है उसके लिए आपको मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, बीइंग ए डायरेक्टर इन एकेडमिक्स एज वेल एज चेयरमैन ऑफ फोर्थ कमिंग एलन ग्रुप, कि अभी तक एलन पे कई लोग आए चले गए, वापस एलन पे जुड़ गए, लेकिन आज से इस बात को गांठ बांध लें। इस बार जो एलन से जिस तरीके से जो एक माया जाल के द्वारा खींचा जा रहा है, उसमें अगर कोई जाता है तो आज से इस बात को पक्का कर ले, वो टोटल हमेशा के लिए ब्लैकलिस्टेड एट एलन, उसकी वापस एलन में एंट्री नहीं होगी। दुनिया की कोई ताकत उसको वापस एलन पे नहीं ला सकती। और मैं तो इतना कह रहा हूँ, जब तक एलन है मैं हूँ, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। भले वो मोहित भार्गव हो कि आशिक अरोड़ा हो, ये वापस कभी एलन पे नहीं आ सकते, इस जिंदगी में तो कभी नहीं आ सकते। और जो एलन पर इस समय ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, अपना किरदार निभा रहे हैं, एलन के प्रति लॉयल हैं, एलन हमेशा उनकी पूरी केयरिंग करता रहेगा, हमेशा एलन उनके हर सुख दुख में पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा, हमेशा खड़ा रहेगा, हर पल उनका साथ देता है, देता रहेगा, और उनकी सुबह की प्रॉब्लम को शाम नहीं होने देगा और शाम की प्रॉब्लम के लिए तारीख नहीं बदलने देगा। ये पूरा एलन की ओर से मैं कमिटमेंट करता हूँ। और दूसरा, जो यहाँ पर हैं उनकी स्थिति, जो जा रहे हैं उनसे भी बेहतर 3 साल बाद वो अपने को पाएंगे, भले वो उनकी पोजीशन हो या उनकी फाइनेंशियल पोजीशन हो, ये पक्की बात है। क्योंकि जो कोई और कर सकता है, एलन तो वो आराम से कर सकता है। और एलन के 34 साल की जो लेगेसी है उसकी अपने अलग ब्रांड वैल्यू है। और अब तो एलन किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेगा। अब एलन की जो फील्डिंग जमा होगी, देखेंगे क्या होता है अंजाम। अगर आज ऐसे बोलूं, आज से शराफत की दुनिया खत्म, जैसी दुनिया वैसे हम। जय श्री कृष्ण।